पूजा कुमारी ने पूछा है कि क्या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए ध्यान से कुछ फायदा या मदद मिल सकती है। देखो पूजा, किसी भी बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर्स या चिकित्सक सबसे पहले उस बीमारी को समझते हैं और उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और आपने पूछा है कि क्या मेडिटेशन यानी ध्यान से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां क्या इनसे निपटा जा सकता है, तो जवाब है हाँ। तो चलिए पहले कैंसर को समझते हैं। कैंसर है क्या? ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी आपके शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, उसी तरह से हमारा यह शरीर है। आप इस शरीर को साधारण सा समझते हैं, लेकिन असल में हमारा शरीर साधारण नहीं है। हमारा शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इसमें न जाने कितने वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं, इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। हमारा ये शरीर एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस बॉडी में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और इन्हीं कोशिकाओं में कुछ कैंसर की भी कोशिकाएं होती हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी होती कैसे है, चलिए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। हमारे शरीर में जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, दरअसल उनकी क्वांटिटी कम होती है और बाकी कोशिकाओं की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और कैंसर की कोशिकाएं शरीर में इधर उधर होती हैं, और जब ये कैंसर वाली कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी होने लगती हैं, तब ये ताकतवर हो जाती हैं और हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। और जब ये एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तब इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, इन कैंसर वाले सेल्स को पोषण मिलने लगता है और फिर होती है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी। तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर में एक डिफेंस सिस्टम होता है जो हमेशा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बीमारियों से लड़ता रहता है। वो अपने आप ही सेल्फ रिपेयर करता है। और यह डिफेंस सिस्टम बाहर से आई हुई बीमारियों से ही नहीं लड़ता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों से भी लड़ता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद ही बनाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हमारे शरीर में दरअसल ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो बीमारियां एक्चुअल में नहीं होती हैं, वो केवल मानसिक रोग होते हैं, जिसे आप लोग वहम की बीमारी भी कह सकते हैं। तो अब हमें कैंसर के बारे में एक बात तो समझ में यह आ गई है कि हमारे शरीर में जो कैंसर के सेल्स होते हैं, जब उनको पोषण मिलने लगता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है और वो एक जगह एकत्रित होने लगते हैं, और फिर उसके बाद में वे हमारे शरीर के साधारण सेल्स को मारने लगते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं, तब जाकर कैंसर जैसी बीमारी घटित होती है। और कैंसर की इन कोशिकाओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है नशीले पदार्थों से, और इसीलिए सभी नशीले पदार्थों में चेतावनी लिखी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। इसीलिए सरकार द्वारा कड़े निर्देश होते हैं उन सभी कंपनियों को जो नशीले पदार्थ बेचती हैं, अपने सभी प्रोडक्ट पर यह चेतावनी तुम्हें लिखनी होगी। तो नशा करते समय हम बाहर से बड़े मजे ले रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपके शरीर के भीतर कैंसर वाली वो सभी कोशिकाएं आपसे ज्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उन्हें ताकत मिल रही होती है, उनकी संख्या बढ़ रही होती है। अब हमें करना क्या है कैंसर जैसी बीमारी या और भी हमारे शरीर की दूसरी बीमारियों से बचने के लिए? सबसे पहले हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर मौजूद कैंसर वाले सेल्स को बढ़ने से कैसे रोका जाए? सबसे पहले है फूड, यानी कि आपका खानपान। आपका खानपान बैलेंस में होना चाहिए। आपको पूरे दिन खाते नहीं रहना है। अगर आप पूरे दिन खाते ही रहोगे थोड़े थोड़े गैप में, तो इससे आपके अंदर मौजूद कैंसर वाले सेल्स को पोषण मिलेगा। और आपको हैरानी होगी, आपके अंदर मौजूद कैंसर वाले सेल्स कई गुना ज्यादा भोजन खाते हैं आपके सामान्य सेल्स से, और जब उनको ज्यादा भोजन मिलेगा तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और उनके इकट्ठे होने का खतरा बढ़ेगा, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। तो आपको अपने खाने के बीच में गैप रखना है। आपको बार बार हर आधे घंटे हर एक घंटे में खाना नहीं खाना है। आपके खाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आप और भी ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक ट्रिक और फॉलो कर सकते हैं। आप हफ्ते में या महीने में एक फास्ट रख सकते हैं, यानी कि व्रत। हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्रत यानी फास्ट की खोज की और इसे बाद में फिर धर्म से भी जोड़ दिया। दरअसल व्रत एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है।
कुछ दिनों के अंतराल में व्रत रखने से हमारे शरीर की काफी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है। और व्रत को धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि इसे सभी लोग फॉलो कर सकें और सब स्वस्थ रह सकें। और व्रत रखने के बाद कैंसर वाली कोशिकाओं को भोजन नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं ध्यान की। अगर आपका मन उथल पुथल में रहेगा तो भी इन कोशिकाओं को पोषण मिलता है। आप जितना शांत और धैर्य रखते हैं आप अंदर से उतने ही स्टेबल रहते हैं और आपका इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम प्रॉपर काम करता रहता है। जब आप मौन में होते हो या आप गहरे ध्यान में होते हो तो उस समय आप अपने शरीर के बाहर की ओर नहीं बल्कि शरीर के भीतर की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं और इससे आपके भीतर के शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और वैसे भी ध्यान करने से हजारों बीमारियां नष्ट हो जाती हैं क्योंकि ध्यान आपके शरीर को अंदर से प्यूरिफाई करता है और जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होगा तो बाहर से भी स्वस्थ होगा। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया ध्यान में डूबने के लिए तैयार है। जरा जाकर देखो यूरोपियन कंट्री में, जाकर देखो अमेरिका में। आप कहते हो कि हिंदुस्तान में लोग ज्यादा धार्मिक हैं, यहाँ के लोग ज्यादा ध्यान करते हैं। नहीं, लगभग आधा अमेरिका ध्यान की ओर डूबता जा रहा है। आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर पागल हुई पड़ी है, सब ध्यान करना चाहते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। मिलता हूँ किसी अगली इंटरेस्टिंग जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।